अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडियाँ और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग से। भिंडियों को साइड से कट करके बीच में तिरछा काटेंगे ताकि फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आए, और बहुत छोटा छोटा मैं इनको नहीं काटूंगी क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भिंडियाँ फ्राई होके भी सिकुड़ती हैं। अगर वो बहुत छोटी काटेंगे तो फ्राई होके वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएंगी, अगर मीडियम साइज़ होगा तो वो फिर भी उनका खाने में नज़र आएंगी और ख़ूबसूरत लगेंगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पैन में ऑयल गर्म किया है और भिंडियाँ डाल रही हूँ। इसी ऑयल में मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं काला करूँगी यानी लाल सा कि वो जली भुनी सी लगे, एक अच्छा सा ग्रीन कलर ही मुझे ज़रा पसंद आता है। एक अदद मीडियम प्याज ली है, उसको मैं बारीक कट कर रही हूँ। इसमें से आधा प्याज मैं मसाले के लिए यूज़ करूँगी। भिंडियों का पहला बैच फ्राई हो गया है जिसको मैंने आपके सामने डाला था। अब थोड़ी सी भिंडियाँ और भी रह गई हैं, उसको भी मैं फ्राई करके बिल्कुल इसी तरह ज़्यादा रेड नहीं करूँगी और निकाल लूँगी। इस पैन में जितना भी ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, फिर इस पैन को मैंने धो लिया है। इसी पैन को गर्म करके 1/4 कप ऑयल डाल लिया है। अब प्याज को इसमें फ्राई करेंगे, हाफ प्याज जो ली थी उसको फ्राई करना है मसाले के लिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इस पर अदरक लहसुन डाल दूंगी मैं, और उसको भी गोल्डन ब्राउन करना है, उसकी बस स्मेल ख़त्म करनी है अदरक लहसुन की। अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ नहीं लिया, आप भी कूटा हुआ लेके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक लहसुन जैसे ही गोल्डन हुए, मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ वो इसमें डाल दूंगी। इन्हीं टमाटरों को पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है, और इसमें मसाले डालने हैं, और बस फिर हमारा भिंडियों का मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी और साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डालूंगी, फिर मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च लेनी है। मसाले आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, नमक भी तेज़ कर सकते हैं, पर मैं इतना ही खाती हूँ क्योंकि जितने मसाले नॉर्मल खाए जाएं, कम खाए जाएं, उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। मैंने 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये पिंक सॉल्ट है इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। बस अब टमाटरों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे, मैंने ऐसे ही किया था, मेरा जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क होने वाला है। अब इसी पॉइंट पर हम अपनी तली हुई भिंडियाँ डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज भी शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। ये सारा का सारा प्याज नहीं डालूंगी, बस 1.5 प्याज मैंने लिया है वो डालूंगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। यानी 1 मीडियम प्याज और 1/2 प्याज जो बचा था पहले मसाले में बनाने के लिए वो आपने डाल देना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, 1/2 टेबल स्पून सिरका डाला है। बस अब इस सब को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के मैं रख दूंगी ताकि प्याज नरम हो जाए, अपना पानी भी छोड़ेगी तो उससे भी वो नरम हो जाएगी और मसाला भी ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। भिंडियाँ बस ये पक चुकी हैं, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नया लेके आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।